जय बोलिए त्रिकालवर्ती त्रैलोक पूज्य विश्वाराध्य पंच परमेष्टि भगवान की, अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, वर्तमान जन शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री कुंदकुंद स्वामी मुनि महाराज की, परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जीवन महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की, अंतिम अनुवाद केवली श्री जम्बू स्वामी भगवान की, जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याण कारकम। धर्म स्नेही सत श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्य वर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, पूर्व में आपने उत्तम शौच धर्म के संबंध में सुना, आज उत्तम सत्य धर्म के संबंध में कुछ चर्चा करते हैं। उत्तम शौच सत्य धर्म क्या है? कुछ लोग सोच रहे थे कि उत्तम सत्य धर्म की व्याख्या पहले होना चाहिए, उत्तम शौच धर्म की बाद में, किंतु आचार्यों की विवक्षा ये है, क्रोध मान माया और लोभ इन चारों कसायों का पूर्णतः शमन होने के उपरांत ही जीवन में सत्य उद्घाटित हो सकता है। लोभ कषाय के रहते हुए जीवन में सत्य प्रकट नहीं हो सकता। लोभ सर्व पापों की जड़ है, इसलिए लोभ को पाप का बाप भी कहा। क्रोध मान माया लोभ चाहे भले ही एक एक दो और तीन रहते हों, किंतु लोभ के साथ चारों कषायें नियम से रहती हैं, पांचों पाप भी रहते हैं। इसलिए लोभ के शमन के उपरांत ही सत्य की व्याख्या यथोचित प्रतीत होती है। महानुभाव, सत्य यद्यपि अनुभव का विषय है, यह शब्दों के लेन देन में पकड़ में नहीं आता। जैसे हम अपने आनंद के, राग के, द्वेष के, वीतरागता के, घृणा के भावों को एक दूसरे को दे नहीं सकते, केवल स्वयं खुद ही अनुभव कर सकते हैं, ऐसे ही सत्य भी हम दे नहीं सकते, ले नहीं सकते, स्वयं अनुभव करते हैं। सामने वाले व्यक्ति को भोजन करने से जो आनंद आ रहा है, उस आनंद की अनुभूति हमें तब तक नहीं हो सकती जब तक हम भोजन स्वयं न करें। एक व्यक्ति को नदी में तैरने से जो आनंद आ रहा है, वह आनंद हमें देखने से नहीं, स्वयं तैरने से आएगा। एक व्यक्ति धूप में तपा हुआ छाया में खड़ा हो जाता है, छाया में खड़े होने पर जो उसे अनुभूति हो रही है, हमें वह अनुभूति उसे देखने मात्र से नहीं होगी। इसी तरह से सत्य केवल सुनने मात्र से सत्य हमें ग्राह्य नहीं है, सत्य हमें प्रकट करना है। बाहर से ला करके आत्मा में स्थापित नहीं करना है, अपितु प्रकट करना है। आप देखते हैं कोई भी किसान कुआ खोदता है तो बाहर से पानी ला करके कुएं में नहीं भरता, नहर से, नदी से या ट्यूबवेल से कुएं को नहीं भरता है, अपितु कुआ इतना गहरा खोदता है उस कुएं में ही जल का स्रोत निकल आए, और जब कुएं में जल का स्रोत निकल आता है तो कुआ फिर सूखता नहीं। हमारे अंतरंग में सत्य का स्रोत प्रवाहित हो जाए तब फिर संसार की कोई भी ताप हमारे सत्य को सुखा नहीं सकती। तो सत्य अंतरंग से निश्चित होने वाला वह गुण है, लक्षण है, विशेषता है। इस सत्य के बारे में हम जाने, भारत देश में सत्य अत्यंत महिमा मंडित है, इसलिए वर्तमान काल में नहीं पूरा काल से ही एक जय घोष, एक नारा उद्घोषित किया जाता है, सत्यमेव जयते। सत्यम एव, सत्य ही विजय को प्राप्त होता है, सत्य ही विजय को प्राप्त होता था, सत्य ही विजय को प्राप्त होता रहेगा। सत्य परेशान तो हो सकता है किंतु कभी पराजित नहीं होता। सत्य सूली तक जा सकता है पर सूली लगती नहीं, असत्य सिंहासन तक पहुंच सकता है किंतु सिंहासन पर शासित बैठता नहीं,
असत्य के साथ सिंहासन पर बैठा हुआ राजा वसु भी वह मृत्यु को प्राप्त करके रसातल में नरक में चला गया। असत्य के साथ ज्यादा जीवन जिया नहीं जा सकता। जैसे ओस के बिंदुओं से समुद्र नहीं भरते, ओस के बिंदुओं से कुएं नहीं भरते, ओस की बिंदुओं से नदी प्रवाहित नहीं होती, ऐसी असत्य के माध्यम से जीवन सुचारू रूप से सुचर काल तक चल नहीं सकता। असत्य क्षण ध्वंसी है, क्षण भर की उसकी चमक है, वह शाश्वत नहीं रह सकती। किंतु सत्य शाश्वत है, उसे विश्व की कोई भी शक्ति नष्ट कर नहीं सकती। आप सत्य हैं तो दुनिया से घबराने की आवश्यकता नहीं, चाहे कितनी भी प्रतिकूलताओं का सामना करना पड़े करते रहो, घबराओ मत, सत्य बने रहो। अपने सत्य को सत्य साबित करने की कोशिश भी मत करो, बस हर परिस्थिति में सत्य बने रहो। वक्त खुद आकर के तुम्हारे सत्य की गवाही दे देगा, और तुम यदि अपने सत्य की गवाही देने की कोशिश करोगे तो तुम्हारा जीवन गवाही इकट्ठी करने में लग जाएगा, तो आपका जीवन सत्य को संभालने में ना निकल पाएगा। तो सत्य को संभालो, गवाही को मत संभालो। ये गवाही, प्रमाण, साक्ष्य, ये तो सत्य की परछाइयाँ हैं। जहाँ सत्य रहेगा वे सब पीछे पीछे आए, नहीं तो कल अपने आप स्वतः ही आ जाएंगे। महान भाव सत्य योग मार्ग में आपने देखा होगा, सत्य मनोयोग, और वचन योग में देखा सत्य वचन योग, ये आपने देखे सत्य असत्य उभय अनुभय। तो सत्य ग्राही है, अनुभय ग्राही है, असत्य और उभय ग्राही नहीं है, वचन योग भी नहीं, मनोयोग भी नहीं। सत्य के साथ रहोगे तो तुम सत्य में परिणत हो जाओगे, असत्य के साथ रहोगे तो तुम असत्य में परिणत हो जाओगे। जैसे लकड़ी अग्नि के साथ रहती है तो अग्नि में परिणत हो जाती है, यदि वह लकड़ी मिट्टी के साथ रहे तो शनि शनि वह लकड़ी भी मिट्टी में परिणत हो जाती है। लोहे का गोला यदि अग्नि में डाल दिया जाए तो वह भी अग्नि में परिणत हो जाता है, यदि वही लोहे का गोला मिट्टी में पड़े रहे वर्षों तक तो वह शनि शनि उस लोहे के गोले को जंग लग जाती है और वह मिट्टी में मिल जाता है। तो सत्य के साथ रहना है। आचार्य भगवान नेमचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने गोमठसार जीव पाण्ड में 10 प्रकार के सत्यों की व्याख्या की है। जनपद सम्मद ठवणा रामे रूबे पडुच व्यवहारे संभावनीय भावे उपमाए दशव्यम सच। ये 10 प्रकार के सत्य हैं। जनपद सत्य, सम्मत, सम्मति सर्वसम्मति से काम हुआ सम्मत सत्य, स्थापना सत्य, नाम सत्य, रूप सत्य, प्रतीति सत्य, व्यवहार सत्य, संभावना सत्य, भाव सत्य और उपमा सत्य। ये 10 प्रकार के सत्य हैं। किस प्रकार से संक्षेप में देखें, जनपद सत्य, भत्तम, चावल को कोई चावल कहता है, कोई चोरू कहता है, कोई चील कहता है, कोई भत्त कहता है, कोई भेंटू कहता है, कोई धान्य कहता है, कोई सिद्धार्थ कहता है, कोई राइस कहता है, किंतु चावल चावल है। जिस क्षेत्र में चावल वस्तु को जिस नाम से संबोधित किया जाता है उस क्षेत्र के लिए वही सत्य है, ये कहलाता है जनपद सत्य। जनपद सम्मति, सम्मत सत्य में क्या है, देवी, ये तो देवी यशी है तो मनुष्य नहीं किंतु देवी यशी, सर्वसम्मति से देवी की वह उपमा जैसे लग रही है तो देवी यशी कह दिया उसे, पर देवी है नहीं, पर बहुजनों ने देवी कह दिया देवी, या किसी उपाधि दी तो उपाधि देना बहुजनों के द्वारा दी गई उपाधि वह भी एक सम्मत सत्य होता है। आगे है जनपद सम्मत ठवणा, स्थापना सत्य, स्थापना सत्य पाषाण का जन्मबिंब है, आप क्या करें, ये कौन विराजे हैं, ये श्री शांतनाथ भगवान विराजे हैं, ये कौन विराजे हैं, श्री मुसनाथ भगवान विराजे हैं, ये कौन है, श्री महाविस्वामी विराजे हैं, ये कौन श्री शिवदेव विराजे हैं। तो उस बिंब में, मूर्ति में, प्रतिमा में भगवान की स्थापना करना ये स्थापना सत्य कहलाता है। आगे ठवणा रामी नाम सत्य, नाम सत्य क्या है, किसी का कोई नाम रख दिया, जिनेन्द्र, महावीर,
ऋषभदेव, सुमतनाथ, शांतनाथ, चंद्रप्रभा, जो नाम रख दिया, तो उसे उस नाम से बुला रहा है तो नाम सत्य हो गया। उस समय आप कहें वो तो चंद्रप्रभा है ही नहीं, जिस समय का नाम रखा है तो नाम की अपेक्षा से सत्य कह रहा है, तो ये नाम सत्य हो गया। जनपद संबंध छवणा नाम ही रूप ही रूप सत्य। रूप सत्य कैसे होता है? जैसे किसी के रूप को देख करके कह दिया, मनुष्य के पराक्रम आदि को देख करके, वाह ये तो शेर जैसा लगता है, क्या स्वाभिमानी हाथी जैसा, वाह क्या है इसकी, क्या नेत्र है मृगी जैसे, तो उसके रूप को देख करके इस प्रकार उपमा दी जाती है, इस प्रकार कहा जाता है उसकी विशेषता को लेकर के। रामे रूबे पड़ुच व्यवहार प्रतीति सत्य। प्रतीति सत्य कैसे? ये छोटा है, छोटा है किसी अपेक्षा से छोटा है, ये बड़ा है किसी अपेक्षा से बड़ा है, ये लघु है वह विराट है, ये मीठा है ये फीका है, तो एक दूसरे की अपेक्षा किसी की अपेक्षा से उस प्रकार से गुणों का आरोपण किया जाता है, कहा जाता है, यह है प्रतीति सत्य। पड़ुच व्यवहारी व्यवहार सत्य होता है, व्यवहार में आप सत्य बोलते हैं, कैसे सत्य बोलते हैं? आपसे पूछा कहाँ जा रहे हो, उसके सिर पर कनस्तर रखा था, वह बोला मैं तो आटा पिसाने जा रहा हूँ। भैया जब तेरे पास कनस्तर में आटा है तो पिसाने क्यों जा रहे है? जबकि गेहूं को पिसवाने के लिए ले जा रहा है वो तो क्या रहा है आटा, क्योंकि आटे का संकल्प है उसे पिसवा करके आटा बनेगा। या और भी उससे पूछा, कोई उसे बात कही, क्या बना रही हो माता जी? बेटा खीर बना रही हूँ। खीर तो बनने के उपरांत नाम पाती है, पहले तो दूध और चावल होते हैं, अथवा हलवा बना रही, हलवा तो तब बनेगा बाद में, अभी तो आटा है, या लड्डू बना रही, लड्डू नाम तब मिलेगा जब बन जाएगा। तो किंतु व्यवहार में बोला जाता है कार्य का उपचार कारण में किया जाता है, अथवा व्यवहार में कह दिया वो तेल की शीशी ले आना, शीशी तो कांच की है किंतु व्यवहार कह रहे, वो घी का डब्बा ले आना, डब्बा तो प्लास्टिक का है किंतु उसमें घी रखा था, व्यवहार कर रहे। व्यवहार में कहीं कहते हैं भाई साहब ये सड़क कहाँ जाती है, वो कहता जब से मैं पैदा हुआ हूँ तब से तो मैं देख रहा हूँ ये सड़क तो यहीं की है, कहीं नहीं जाती, हाँ इस सड़क पर जाने वाले होती सीधा चली जाए तो वहाँ पहुँच जाएगा अमुक स्थान पर, अरे यही तो मैं पूछ रहा हूँ। तो ये भी सत्य है, व्यवहार में सत्य कहा जाता है। व्यवहारीय संभावनीय भावी संभावना सत्य। संभावना सत्य कैसे? किसी चीज की संभावना हो, जैसे एक बालक है वह बड़ा कुशल बुद्धि है और वह डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा है तो उसकी संभावना कर दी तो डॉक्टर बन गया, या जिसने लॉ की LLB LLM किया और उसने कंपटीशन बैठा अब तो उनको जज मान ही लो, तो इस प्रकार से वह किसी प्रकार से उसे संभावना की जा रही है, एक छोटा सा बालक अच्छी उसकी खुराक है और वह कुश्ती लड़ता है, अभी छोटा बालक है अरे तो पहलवान हो गया, या राजकुमार को संभावना देकर कि राजा बनेगा उसे राजा कह देना, संभावना सत्य। संभावनीय भावी भाव सत्य। भाव सत्य भगवान की पूजा कर रहे हैं, गंगा नदी का नीर निर्मल, अब पूजा में गंगा नदी नीर कहाँ है, आपन में कुएं का नीर ला रहे, चंपा चमेली केवड़ा कहाँ है, वहाँ पर तो पीले चावल आपके पास तो, या और भी आप कहते हैं धूप दशांगी लाया, या दीपक की ज्योति लाई, अपने क्या नाम है तारों से जिनमें लोग आरती, सूरज की चांद की, ये कुछ कर रहे हैं आप, तो इस प्रकार से आप कह रहे हैं लोचन सुरसना घ्राण और उत्साह के करतार हैं, मोपेन उपमा जाय वर्णी सकल फल गुण सार हैं, क्या चढ़ा रहे, सूखा सा बादाम या काली मिर्च या छुआरा सुपारी, किंतु आपकी भावना उस प्रकार के फल चढ़ाने की है, आपकी भावना में तो यही है कि मैं सूर्य और चांद का दीप बनाकर आरती उतारूं,
मैं रत्नों का ढेर लगा दूं, इस प्रकार की भावना है तो उस समय आपका वह असत्य असत्य नहीं, भाव सत्य माना जाएगा। उपमा सत्य, आप कहते हैं दीवों की आयु 33 सागर की अमिंद्रों की, या इतने सागर की नारकी की, या इतने सागर की होती है, देवी की आयु इतने पल्ल की होती है। पल्ल माने गड्ढा होता है, सागर माने समुद्र होता है। गड्ढे का और समुद्र का काल से क्या संबंध? ये उपमान दिए, ये उपमान हैं, इस प्रकार यह भी उपमा सत्य कहलाते हैं। अथवा उपमा में दूसरा भी लिया जा सकता है, चंद्रमुखी किसी कन्या को कह दिया तो कन्या के मुख में चंद्रमा आ नहीं गया, उपमा दी गई है। अथवा और भी कोई उपमा दी, कमल लोचना, लोचन में कमल नहीं आ गए किंतु उपमा दी गई है, तो ये भी उपमा सत्य कहलाता है। महान भाव, सत्य अंतरंग में है तो बहिरंग का असत्य कुछ भी हमारा बिगाड़ नहीं सकता। रोड पर कितने भी कंकड़ पड़े हों, जूता पहन लो तो कंकड़ों से सुरक्षा हो सकती है, किंतु जूते में एक भी कंकड़ पड़ा हो, रोड कितना भी साफ हो, यात्रा सुखद नहीं हो सकती। अपने अंतरंग में पड़ा हुआ एक असत्य हमें परेशान कर सकता है, बाहर की हजारों लाखों करोड़ों असत्य हमें परेशान नहीं कर सकते। इसलिए हम अपने अंतरंग के असत्य से बचें। देखो आप जानते हैं वजीर या शतरंज के खेल में वजीर चला जाए और जीवन में से जमीर चला जाए तो जीवन शून्य हो जाता है। वजीर के बिना खेल खत्म है। राज्य में से वजीर चला जाए तो राजा कुछ ना कर पाए, ऐसे जीवन में से उसका जमीर निकल जाए, उसकी अस्मिता निकल जाए तो जीवन शून्य हो जाता है। तो सत्य का महत्व उसी तरह मानना चाहिए। महान भाव, जीवन में आपसे गलतियाँ भी होंगी, आपको गलत भी समझा जाएगा, ये जिंदगी है जनाब, इसमें तारीफें भी मिलेंगी और आपको कोसा भी जाएगा। अब आपको जैसे जीना है जी लो, यही जीवन का सार है। अधिक न कह करके आप सत्य के प्रेमी बने, सत्य के अर्थी बने, ऐसी मैं भावना भाता हूँ। इसी के साथ अपनी शब्द श्रृंखला को हम विराम देते हैं। जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की। अहिंसामय विश्व धर्म की जय। नम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, विश्व कल्याणकारकम।